पंजाब के संगठनों की बैठक शुरू हुई है, काफी डिटेल में चर्चा हुई। आज की हमारी मीटिंग को प्रेसाइड किया अमरजीत सिंह रडा जी ने, वो प्रधानगी की जिसने अध्यक्षता की, वो अपने पीसी को शुरू, हमारे साथ डल्लेवाल जी हैं, राजू है, राज्यवाल जी हैं, मैं हूँ, युद्धवीर जी हैं और कक्का जी हैं, प्रेम सिंह पंगू जी हैं। आज की पीसी की जो शुरुआत है, जो हमारे प्रोग्राम है, वो अमरजीत जी करेंगे, बाकी जो जरूरत पड़ी तो हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। आज की हमारी मीटिंग में हमने जो फैसले लिए, सबसे पहले तो कल का जो घटनाक्रम था, जो गाजीपुर में हुआ, वहां से हमारे पास युद्धवीर जी बैठे हुए हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं वहां के बैठे हुए लोगों का, जिन्होंने अपने हकों के लिए बैठे हुए लोगों की तर्जमानी की। राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के किसानों को खड़े करने की बात की, बड़ा जिगरा दिखाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, आज हमने फैसले जो लिए, वो हम 30 तारीख को सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी जाएगी। मैं फिर दोबारा बोल दूं, लीडर्स 30 तारीख को, लीडर्स रखे 30 तारीख को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं, हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे लीडर साहिबान भूख हड़ताल रखेंगे। उसके आगे आप देख रहे हो, जो बीजेपी आरएसएस का दमन, इस आंदोलन को खत्म करने की, प्रभावित करने की जो नाकाम वो कोशिश कर रहे हैं, उसका हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारत के सभी भाईचारों की तरफ से, किसानों मजदूरों की तरफ से उसकी सख्त निखेधी करते हैं। उनको इन छोटी बातों से बाज आना चाहिए, ये देश के लोगों का आंदोलन है। 75-80% लोगों के पेट का सवाल है, यहां पर जाति धर्म रंग इसका सवाल नहीं। बहुत रोटियां सेक ली इस देश में धर्म के नाम पर, अब उन्हें सोचना चाहिए कि ये देश हर वर्ग इसमें खाना खाता है, उसको भूख लगती है, खेती करता है, मजदूरी करता है। अब ये बात आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की वो आदत छोड़नी होगी उन्हें। ये लोग सभी वर्गों के, धर्मों के लोग ये देख रहे हैं उनकी ये बातें। उसके बाद 30 तारीख को हम पूरे भारत में भूख हड़ताल की अपील कर रहे हैं, सभी को इस भूख हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। सो ये जो फैसले हमने लिए, अब मैं विनती करूंगा कि आगे राजेवाल जी आपसे बात करेंगे।
ਲੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਦੋ ਕਰ ਲੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਲੇਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨੋਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਲੋਗੋ ਪੇ ਹਮਲਾ ਕੀਆ ਔਰ ਵੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਵੋ ਉਨਕੀ ਉਨਕਾ ਯੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਯੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਨਕੀ ਜੋ ਯੇ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਖਦੇੜਨੇ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਥੀ ਵੋ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਜ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਵਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਤੀ ਥੀ ਵੋ ਹਮ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਥੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਉਨ ਹਾਲਾਤੋਂ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਆ ਔਰ ਉਨਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਮ ਦਾਤ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾ ਜੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੇ ਸ਼ਡਯੰਤਰ ਰਚਾ ਥਾ ਉਸਕੋ ਸਮਝਤੇ ਹੋਏ ਏਕਦਮ ਆਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਇਸੀ ਧਰਨੇ ਪੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਔਰ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੇ ਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਯੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੀਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਯੇ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪੇ ਵੋ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨਕੋ ਉਹਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੀਆ ਔਰ ਅਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੇ ਆਗੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਪਕੜ ਜੈਸਾ ਹਮਾਰੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ 26 ਤਾਰੀਖ ਕਾ ਜੋ ਸੜਯੰਤਰ ਥਾ ਵੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੋ 26 ਤਾਰੀਖ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਯੇ ਗਫਲਤ ਥੀ ਕਿ 26 ਤਾਰੀਖ ਮੇਂ ਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਉਸਕੇ ਪਰਿਣਾਮ ਆਪਨੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੂੰਗਾ ਇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕਾ ਯੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਫੇ ਔਰ ਆ ਜਾਏ ਧਰਨੇ ਪੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਗੋ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਉਸਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜ ਰਹਾ ਆਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮੇਂ 50,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਔਰ ਵਹਾਂ ਨਿਰਣੇ ਹੁਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਕਰੋ 50,000 ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੇਂ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਆਜ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸਕੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਲੋਗੋ ਕੋ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੋ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਗਾਂਵ ਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਚ ਪੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ 500 ਗਜ ਕੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੂਰੀ ਪੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਲੋਗ ਆ ਗਏ ਯੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਆਜ ਯੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੇਂ ਕੱਲ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇ 1,00,000 ਆਦਮੀਓ ਕੀ ਭੀੜ ਜੁਟੀ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇ ਫਿਰ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਬੜੇਗਾ ਯੇ ਰੁਕਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਔਰ ਹਮ ਤੋ ਇਨਕੋ ਯੇ ਗਫਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੋ ਖੂਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਖੂਨ ਖੋਲਤਾ ਕਿਸਾਨ ਖੂਨ ਸੇ ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੀ ਗੋਲੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਡਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਕਿਸਾਨ ਵੋ ਯੇ ਵੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਤਾ ਉਸ ਪੇਟ ਭਰਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰੋਂ ਪੇ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾ ਯੇ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾ ਹਮਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਰੰਗੇ ਮੇਂ ਲਿਪਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਹਮ ਉਨਕੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਤੇ ਹੈ
हमसे बड़ा तिरंगे का सम्मान कौन करता होगा, ये हमको तिरंगे की सीख दे रहे हैं, हमको तिरंगे की बात बता रहे हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा पकड़ा नहीं, जिनको तिरंगा पकड़ने का प्रेज रहा, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिनके मुख्यमंत्री अपना संघ का झंडा लहरा के राष्ट्रीय गान कराते हैं, उनको उनको हमें शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं तिरंगे की कीमत, हम जानते हैं, हमसे पूछो। हमारे हर गांव में, मतलब अधिकांश परिवारों में कोई ना कोई बच्चा वहां से बॉर्डर से लिपट के आता है तिरंगे में। ये इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाए, ये किसान और ये देश समझ गया। अभी तो ये मौसम था, मौसम बदल रहा है, बसंत का मौसम आ रहा, फसल हम बो के आए थे, बैसाखी के बाद कटेगी, बिल्कुल फुर्सत में, बैसाखी तक हमको काम नहीं है, बैसाखी पे खेत में जाके कटाई करनी है, तब तक के लिए तैयार होके आए और जरूरत पड़ी तो आगे भी चलेंगे। इस धैर्य से किसान यहाँ बैठा, सरकार अपनी गफलत निकाल दे, सरकार बाज आए अपनी इन ओछी हरकतों से और इसका समाधान ढूंढे, ऐसा ही मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को अपना संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं होता और असत्य की आयु बहुत छोटी होती है। असत्य धीरे धीरे अब देश की जनता के सामने आ रहा है और जब जनता के सामने स्पष्ट होगा कि दो और दो पांच नहीं हो सकता, तो दोनी ताकत के साथ, कई गुनी ताकत के साथ ही आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। बंधुओं, एक षड्यंत्र है, 65 दिन की ये जो हमारी आंदोलन है हमारा, इसमें ये टर्न आया है। हमने बहुत जीवन में देखे हैं कि बड़े बड़े आंदोलन लंबे चलते हैं तो एक टर्न आता है और कहीं ना कहीं सत्ता के षड्यंत्र का, कुचक्रों का कई बार एक शिकार होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं, हम सबको आरोपों पर खड़े उतरे हैं। ये थोड़ा बड़ा झटका दिया जिसमें हम को उन्होंने डैमेज किया है, पर आज देश का किसान समझ गया है, वो हमारे लोग हैं। उस समय के लिए वो भ्रमित हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो समझ गए हैं कि सत्य क्या है। सत्य ये है, आज यह नेट बंद है, नेट बंद होने के कारण यहां से आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, कोई चैनल वाले यहां से लाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम देश के सामने सत्य को उजागर ना कर सके, इसके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं की हैं, कब तक तुम इसको दबाओगे? नेट बंद करके हमारी आवाज को बंद कर दोगे क्या? किसान इस देश का क्या कह रहा है? मुझे बंद करो या मेरी जुबा को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। मेरे अंदर जो ख्याल है, इंकलाब का ख्याल है, देश के पीड़ित किसान का ख्याल है, उसको कैसे आप बुला लोगे? पूरी ताकत के साथ देश का किसान इस बात को समझ गया है और समझने के बाद ये इतने बैकफुट पर जाएंगे कि पूरा देश इन पर थू थू करेगा। जो एजेंसियां काम कर रही हैं हमारे खिलाफ, वो हम सबको बेनकाब इस देश की जनता और किसान करेगा। धन्यवाद। एक चीज, पत्रकार साथियों, एक आपके ध्यान में लेना चाहते हैं हम, सरकार का मिन टैक्टिक्स के रूट हमको दिया ट्रेड के लिए, आपको पता के रूट को ब्लॉकेट कर दिया और उसके बावजूद भी एक FIR 26 तारीख 7:30 बजे ये तमाम जो लीडर्स बैठे हैं 36 किसान लीडर्स के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। और इतना ही बस नहीं, 27 तारीख को एक शो काज नोटिस, इतना भी पता नहीं कि FIR पहले हो गई है, 27 तारीख को शो काज नोटिस कि आपने वो ट्रेड का जो अंडरटेकिंग दी थी उसकी वायलेशन की है, क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, यहाँ पेश किया हुआ ऐसे भी लोगों के खिलाफ। जबकि 26 तारीख रात को 7:30 बजे FIR होगी, शो काज नोटिस एक दिन बाद में आता है उसके, जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, उसका कोई मतलब तो है नहीं। और ये पंजाब के जो आगू हैं सभी, हमारे खिलाफ लुकआउट नोटिस पंजाब में पंजाब सरकार को भेजा है कि पंजाब में जहां जाए आगे उनकी देखभाल करो, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। ऐसे मीन टैक्स टेररिज करने के लिए सरकार होचे तरह उतरी है, इसका हम सब कंडेम करते हैं सुख पहुंचे की तरफ से।
पकड़ना युद्धवीर जी। पत्रकार साथियों, ये बात इंटरनेट बंद है आपको भी पता है, और हम डिमांड करते हैं कि जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है उस इंटरनेट को बहाल किया जाए, वरना लोग जो है इसके खिलाफ भी अपने प्रदर्शन देश में शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपको कल तक पता चल जाएगा, गाजीपुर का तो आपके सामने आ गया है कि लाखों लोग आ चुके हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, यहां भी बड़े पैमाने से लोग हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सब राजस्थान से, सब जगह चल चुके हैं। और जैसा 26 नवंबर को था, मैं आज कल डेमोन्स्ट्रेशन में देखे हैं हम सब लोग कि उससे दुगना तो पहले ही है, और दो दिन के बाद ये और भी बहुत ज्यादा, अभी पता चला कि 800 ट्राली जो है वो मोहाली से चल रही है, इसी तरह 1000 जो गाड़ियां हैं वो लुधियाना से चल रही हैं। तो ये जो अभी लोगों के अंदर जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है, और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं, और लाखों तक ये पहुंचेंगे, जैसे 26 को गए थे, इससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम सरकार को एक तरह का चेतावनी देना चाहते हैं कि बाज आओ इन अपनी हरकतों से, लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड्स को मानो जो शांतमयी बैठे हैं, हम शांतमयी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों को कि आओ शांतमयी संघर्ष में शामिल हो, और जो भी कॉल्स संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और जनतक एक दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए, जो कर रहे हम कुछ दिनों में ही सरकार फिर अपना जो उसको मजबूर होगा कि इस जन सैलाब के सामने वो किसानों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। यही हमारा अपील है पूरे देश के लोगों को। धन्यवाद। नो क्वेश्चन। अच्छा बोलो पत्रकार भाइयों, आपको मालूम होगा कि किस तरह से 26 जनवरी के जो एक षड्यंत्र रचा था सरकार ने और आरएसएस बीजेपी ने, वो एक्सपोज तो हो गया, लेकिन एक कैंपेन सारे हरियाणा में खास तौर पर लगाई गई, चलाई गई कि पंजाब और हरियाणा के किसान में दरार डालने की। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा के किसानों को, उन्होंने इस बात को समझकर सरकार के एक नए षड्यंत्र को स्मेल करके उन्होंने बड़ी संख्या में यहां आना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में यहां बहुत बड़ी संख्या में हर नाके पे किसान पहुंचेंगे, और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि वो फिर किसानों की मांगे माने। और मैं गुरुद्वारा शीशगंज के सामने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये सरकार, इसको कोई शर्म नहीं या नहीं, वो इसको हिंदू सिख मसला बनाना चाहती है, जो हम नहीं बनने देंगे। हिंदू और सिख भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह ही रहेंगे। उसको सरकार को, आरएसएस को, बीजेपी को बाज आना चाहिए। देश सबका है, इस देश में सबको शांति से रहने का हक है, और सभी को उन्हें लोगों को बहकाना नहीं चाहिए झूठ बोल के, अफवाहें फैला के समाज में गड़बड़ी नहीं करवानी चाहिए। तो इसका हम अपनी तो स्थिति और गंभीर हो जाती, उनको रोकना जरूरी था। उन्होंने शायद इसीलिए कुछ कहा होगा, मुझे उनके शब्द याद नहीं, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, उन्होंने क्या कहा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसे शब्द पर हम आमतौर पर नहीं बरतते, इस्तेमाल नहीं करते। धन्यवाद। राजवाल साहब, ततारी वाला पिंड बूका दे, उतो के जेडे है 12 किसान जेडे है किसान रैली जो 26 दी हुई सी, उस तो बाद लापता ने 12 हां है
ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੇ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ 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 ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਥੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਸਵਾਲ ਮਤ ਡਾਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਕਿ ਵੋ ਉਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋ ਵੋ ਹਮੇ ਬਲੇਮ ਕਰੇਂਗੇ ਚਲੋ ਸੋਰੀ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੜ ਜਾਓ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਗਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਬ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਆਜ ਉਨਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਮੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਓ ਕਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮਗਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋ ਕੈਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧਾ ਕਾ ਵਹਾਂ ਅਨੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਆਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਨਾ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਮੰਚ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਂਪੈਥੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਆਨੇ ਕਾ ਤੋ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਮਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਨਾ ਹਮ ਉਨਕਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕਾ ਉਨਕੋ ਮੰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋਂਗੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਮੇ ਵੋ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ
राखी कर रहे पर असि जो बीबिया भी ने जो कोई मान सम्मान नु ठेस पहुंचा असि ओदी निंदा जरूर करते हैं ड्यूटी उन्हां दी भी बनदी है जिन्हां ने उत्थे उन्हां नूं बिठाया या की करदे ने ओह दी वरना सॉरी जे तुहानूं शायद तुहानूं गलत ना लगे अज हमला पहली स्टेज ते होया गा दिल्ली वाले पासों मैं गल करां कल नूं दूजी स्टेज वाल भी हो सकदा है की तुहानूं नहीं लगदा कि जेकर साडे गमांड च हमला हो रहा है पहला उहनूं रोकिया जावे ए तों पहला कि साडे घर ते हमला हो नहीं इस तरह नहीं तुसीं गल पा के नहीं समझ सकते देखिए देखिए एक बार जैसे ही आप सुने एक मिनट सुने आपका सवाल जैसे ही वो हमला हुआ हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे जो भी जो तरीका होता एक सेकंड नहीं लगी राजेवाल साहब ने जिनको भी कहना चाहिए था जो कानून और व्यवस्था को देखते हैं एक सेकंड इन्होंने नहीं लगाई जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं तमाम हायर अथॉरिटीज को इन्होंने एकदम से सूचित किया कि ये गुंडागर्दी है और ये आपका दायित्व है कानून और सुरक्षा को बनाए रखना आपका दायित्व है हमारे भाई बैठे हैं चाहे वो अलग बैठे हैं उन पे हमला हुआ है आप फौरन एक्शन लें और आपने देखा होगा एकदम तुरंत उसमें एक्शन हुआ एक्टिव हुए सब लोग और प्रशासन ने काम किया अपील नहीं की अपील नहीं की जिस तरह युद्धवीर जी ने दसिया हाईएस्ट अथॉरिटीज को फोन करके असि फॉरन टेलीफोन करके हायर अथॉरिटीज नु कहा है ये ठीक नहीं हो रहा ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होनी इन रोको बाकी सूबे जो हिंदी भाषी ने ज नॉन हिंदी भाषी भी ने जेडे पंजाबी और आप हरियाणे नु छड़ दिए उथे प्रचार लई प्रसार लई संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू जिदा गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बार निजी तौर दे उते बिहार गए सीगे मीटिंग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक विचार पहुंचिया की तुहाडे वल्लों कोई एदां दा प्रोग्राम अलीकिया जाएगा कि देश दे वख वख सूबिआं च जाया जावे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीतिया जा उथों दे अखबारां दे विच तुहाडे प्रेस नोट छपन कि आ साडा दुख है आ साडा दर्द है आ साडा सारा कुछ है ठीक है मानते हैं कि दूजे सूबे तो समर्थन मिल रहे लोग आ रहे ने गल समझो बॉम्बे रैली हुई असि अपना नुमाइंदा भेजा राजकोट गुजरात च रैली हुई असि अपना नुमाइंदा भेजा कर्नाटक रैली हुई असि अपना नुमाइंदा भेजा असि मध्य प्रदेश दे विच रैली हुई उत्थे डरेवाल साहब जाके असि जिथे कोई प्रोग्राम हुंदा कोशिश करदे आ इत्थे दे रुझेवे नूं देख के किसे ना किसे नूं उत्थे भेजदे आ साडा लगातार तालमेल है ऐसी कोई गल नहीं असि सिर्फ इत्थे तक सीमित दूसरी गल है कि संयुक्त किसान मोर्चा केवल पंजाबियों का नहीं नॉन पंजाब नॉन वो आपो अपनी जगह पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं प्रेस को भी जा रहे हैं 26 तरीक तो पहला दी गल्ला थी कि बॉम्बे दे विच प्रोग्राम है या महाराष्ट्र दे विच 26 तरीक तो बाद दी प्लानिंग की रही है वो सवाल ये है बाद च 2 दिन लंगे ने जदों आएगा जावांगे असि कहया कि जब ए तो पॉलिसी है साडी असि भेज दे किसी ने किसी ने ਸਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ